अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, साइन किचन में आज आपका स्वागत है। तो आज मैं आ गई हूँ आपके साथ एक मीठी सी डिश लेके जिसका नाम है सूजी का हलवा। आज मैं आपको सूजी का हलवा एंड पूरी बनाने का तरीका बताऊँगी, जैसे कि बनाने के लिए इसको क्या क्या चाहिए और कैसे इसको बनाते हैं। चलिए मैं आपको बता रही हूँ आगे। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए मैंने एक पैन चढ़ा लिया है गैस पे, और पैन चढ़ाने के बाद मैंने 100 ग्राम सूजी लिया है। उसमें मैंने सूजी को अच्छे से भुनने के लिए मैंने सूजी को पहले कढ़ाई में डाल के उसके बाद एक चम्मच देसी घी डाल के मैं इसको सूजी को अच्छे से भुनना है। मुझे सूजी जब तक ब्राउन ना हो जाए तब तक मुझे इसको धीमी आँच पर अच्छे से भुनना है। जब तक भुनना है सूजी को, जितना भुनेंगे उतना ही आपका टेस्ट अच्छा आएगा हलवे का। देखिए, मैंने ब्राउन करके इसको सूजी को अच्छे से निकाल लिया है। निकालने के बाद मेरा पैन वैसे ही चढ़ा है, इसमें मुझे घी डालना है 2 स्पून, और उसमें आपको लौंग, इलायची, दालचीनी जैसे कि मैंने आपको दिखाया हुआ ऐसे डालना है इसमें, और उसको अच्छे से ब्राउन टाइप का कलर कर लेना है। उसके बाद मैंने 1/2 कप चीनी लेना है। 1/2 कप चीनी लेने के बाद देखिए, मैंने 1/2 कप चीनी लिया, उसमें चीनी को डाल दिया है। अब चीनी को डालने के बाद धीमी आँच पर मुझे इस घी में इस चीनी को अच्छे से ब्राउन करना है। जब तक कि मेरा ब्राउन कलर चीनी का ना हो जाए, इससे चीनी का कच्चापन नहीं हटता है, तो जब तक कि मेरा चीनी पूरा अच्छे से ब्राउन ना हो जाए तब तक मुझे इसे धीमी आँच पर अच्छे से पकाना है। ऐसे चीनी जैसे ही इसमें पिघलेगा ना, इसका कलर पूरा चेंज हो जाएगा गाइस। तो देखिए, मुझे इसे धीमी आंच पे अच्छे से पकाना है। अभी चीनी का कलर पूरा वाइट है, देखिएगा थोड़ी देर ही बाद जब ये चीनी पूरी अच्छी तरह से पिघलने लगेगा इसका कलर पूरा ब्राउन हो जाएगा। तो देखिए, 5 मिनट मैंने भून लिया। अब देखिए, चीनी का कलर पूरा एकदम ब्राउन होकर एक सीरे की तरह बन गया। उसमें मैंने ये जो मैंने ड्राई फ्रूट्स कुछ लिए हैं कटे हुए, वो ड्राई फ्रूट्स को इसमें डाल देना अच्छे से, ताकि ड्राई फ्रूट्स भी हल्का भुन जाए और इसका कच्चापन चले जाए। अब इसमें मैंने अच्छे से भून के 1/2 कप पानी डाल लिया है मैंने। उसके बाद मुझे फिर 1 गिलास पानी डालना है इसमें, और पानी डाल के पानी को अच्छे से बॉईल कर लेना है मुझे। देखिए देखिए, पानी का कलर कितना प्यारा सा कलर आया है। उसको अच्छे से पानी को बॉईल कर लेना है खूब अच्छे से, जब तक कि चीनी का कच्चापन पूरी तरह से ना निकल जाए तब तक मुझे इसमें पानी को अच्छे से बॉईल करना है। धीमी आंच पे मुझे इसको चलाते रहना है जब तक सीरा ना पक जाए। जब तक जितना अच्छे से सीरा पकेगा उतना ही मेरा सूजी का हलवा बन के तैयार होगा। इसमें मैंने 1/2 टीस्पून नमक डाला है। इसमें नमक सूजी के हलवे में अगर 1/2 टीस्पून आप अगर नमक डालते हैं तो हलवे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। देखिए, मुझे इसको अच्छे से ऐसे अच्छे से बॉईल करना है जी, जब तक पानी में अच्छे से उबाल ना आ जाए तब तक मुझे इसको धीमी आंच पे बॉईल करते रहना है। मैंने गैस का फ्लेम थोड़ा, और उसमें 1 चम्मच मैंने देसी घी डाल दिया है फिर से, देखिए, ताकि इसका स्मेल बहुत अच्छा है। देसी घी डालने से हलवे में हलवे का स्मेल बहुत ही अच्छा आता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, पूरे बाहर की तरह ये लगेगा। देखिए, अब मैंने 1 टेबल स्पून बटर भी डाल दिया है मैंने। बटर डालने से भी हलवे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये सब मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ जिससे हलवे का टेस्ट पूरे बाहर की तरह होगा। देखिए, अब मेरा पानी अच्छे से बॉयल आ गया है। हमने जो ब्राउन किया हुआ सूजी रखा हुआ था उसको मैंने इसमें पानी में अच्छे से डाल के अच्छे से मिला लिया है। पूरा अच्छे से इसको चलाना है ताकि नीचे ना लग जाए, और पानी में अच्छे से ये पूरी तरह से मिक्स हो जाए। जब तक मुझे चलाना है तब तक ये मिक्स ना हो जाए। उसके बाद मुझे इसको कवर कर देना है। जैसे अच्छे से चलाने के बाद पूरा, देखिए, मैंने पूरा पानी में अच्छे से मिक्स कर लिया है, और देखिए उसमें बॉयल भी आ रहा है। अब मुझे इस ढकने से ढकने के बाद, देखिए, 5 मिनट के बाद मेरा पानी पूरा सोख चुका है, सूजी इसमें पूरा अच्छे से मिक्स हो चुका है। लगभग मेरा हलवा अब 99% बन के पूरा तैयार हो गया है। अब इसको अच्छे से धीमी आँच पर मुझे मतलब अच्छे से भुनना है। देख रहे हैं इसमें कैसे बॉइलिंग आ रहा है। अब मैंने लगभग मेरा हलवा अब तैयार ही हो चुका है, इसमें घी भी छोड़ने लगा है। मुझे अच्छे से भुनते रहना है, जितना ज़्यादा घी छोड़ेगा उतना ही मेरा हलवा बहुत अच्छे से टेस्ट बनेगा। अब लगभग मेरा हलवा से स्मेल बहुत अच्छा आ रहा है, मेरा हलवा बन के तैयार हो गया है। हलवे के साथ खाने के लिए मैंने पूड़ी भी तैयार की है। देखिए, पूड़ी को मैंने आटा गूंद के रख दिया था, और पूड़ियों को छोटे छोटे आकार में मैंने पूड़ियों की तरह इसको बेल लिया है, और बेलने के बाद फिर मैं इसको फ्राई भी करूँगी। इधर मेरा हलवा भी हो चुका है, मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, इसमें मैंने तेल डाल दिया है पूड़ी को फ्राई करने के लिए। मेरा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, मुझे पूड़ियों को इसमें डालना है और अच्छे से दबा दबा के पूड़ियों को फ्राई करना है। देखिए, ऐसे ऐसे दबा दबा के जब तक कि पूड़ी थोड़ा सा नीचे से पक ना जाए तब तक इसको नहीं पलटना। देखिए, मेरा पूड़ी कितने अच्छे से फूल गया है। फूलने के बाद मुझे इसको पलट देना है, तेज़ आँच पे पूड़ी को फ्राई करना है हमेशा, नहीं तो पूड़ी में तेल ऐसे मतलब धीमी आँच पे करने से पूड़ी में ज़्यादा तेल सोख लेता है, इसीलिए मुझे आँच को हाई फ्लेम पे कर लेना। देखिए, मेरा पूड़ी हो चुका है, मैं पूड़ी को निकाल रही हूँ। इसी तरह से करके सारी पूड़ियों को भी मुझे तलना है। मैंने तेल अच्छे से गर्म कर रही हूँ ताकि पूड़ी मेरा अच्छे से, अब दूसरी पूड़ी भी मैंने इसमें डाल दी है, और देखिए इसको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ मैं। कैसे, देखिए, चम्मच जैसे हम चला रहे हैं वैसे आपको भी चलाना है फ्रेंड्स। देखिए, पूड़ियों को कैसे अच्छे से फ्राई करके मैं पूरा एकदम फूला फूला सा फ्लपी फ्लपी बना रही हूँ। देखिए, कितना अच्छा सा पूड़ी मेरा फूल रहा है।
ऐसे करके मुझे सारी पूड़ियों को तल के पूरा अच्छे से, हलवा मैंने ऑलरेडी तैयार कर लिया, पूड़ियों को भी तल के इकट्ठा कर लेना है गाइस। तो मेरा हलवा पूड़ी ऑलरेडी तैयार हो चुका है। अब देखिए मैंने कितनी प्यारे तरीके से इसे सर्व कर लिया है फ्रेंड्स। मेरा हलवा है उस पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दिए और पूड़ियों को कितनी अच्छे से सजा लिया है। तो गाइस अगर मेरे चैनल में नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं।